और राम राज्य क्या यही था, लोग भूखे मरते थे, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ते थे, ऐसे ही राम राज्य था। जब राम जी थे तो ऐसे ही होता था। आत्मनिर्भर बनने से, पकौड़े तलने से भारत विश्वगुरु बन जाएगा? नहीं बनेगा। मैं मेरा जो हक है मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, डरता थोड़ी ना हूँ। क्या गजब हाल है मीडिया वालों को, मैं यही तो कह रहा हूँ, देश को बर्बाद करने में मीडिया वालों का याद है। मोदी जी को किसी ने नहीं देखा चाय बेचते हुए। कभी रक्षाबंधन फ्लॉप करो तो कभी शाहरुख खान का पठान फ्लॉप करो तो लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप करो, बस यही रोजगार है। क्या नाम आपका? सर मैं यूपी गोरखपुर से आया हूँ, मेरा नाम तालिब खान है। महंगाई बेरोजगारी पे कुछ बोलना चाह रहे हैं आप क्या? जी सर बिल्कुल बोलूंगा, महंगाई बहुत ज्यादा है सर। अच्छा, तो सब महंगाई है। हाँ तो फिर दिखाया नहीं जा रहा है ना? हाँ। न्यूज पे दिखाया नहीं जा रहा है, न्यूज पे तो सिर्फ जो दिखाया जा रहा है आपको पता ही है, हिंदू मुस्लिम सरकार के राम राज के राज्य से आए हैं, जहाँ राम राज्य चल रहा है और यहाँ आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है। अच्छा ये बताइए हमको, जब हाँ ठीक है, राम राज्य जब था, श्री राम जी जब थे, ये बताइए जब वो थे तो क्या हमारे देश में ऐसे ही हो रहा था? एक आप बताइए, एक औरत का चरित्र के लिए, एक अपने मतलब जो अपमान उनका हुआ था उसके लिए रावण का सारा घमंड खत्म कर दिए थे। और राम राज्य क्या यही था, लोग भूखे मरते थे, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ते थे, ऐसे ही राम राज्य था। जब राम जी थे तो ऐसे ही होता था, कोई क्राइम नहीं है अब वहाँ। हाँ मैं मानता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्राइम रिपोर्ट बहुत कम हुआ है, मैं इस बात को मानता हूँ और मैं देखता भी हूँ। अदर राज्य से मतलब लेकर यूपी के कंपेयर में मतलब कुछ जब से योगी जी हैं 5-7 साल में बहुत कम हुआ है। दंगा मुक्त भी बताया जाए? हाँ दंगा मुक्त हुआ है, वही तो बता रहा हूँ, क्राइम रिपोर्ट कुछ परसेंट तक कम हुआ है। जिस तरह से आप जो है कि राम की बात की है, उस समय जो है कि सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अच्छा ये बताइए, सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तो राम जी, आप वही तो मैं कह रहा हूँ, एक औरत का अपमान हुआ था अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, आप बताइए श्री रामचंद्र जी थे वो क्या कर दिए, पूरा लंका को खत्म कर दिए। और अभी क्या हो रहा है, बस हिंदू मुस्लिम करने के लिए देश में, बस हिंदू है तो हाँ इसको छोड़ो, मुस्लिम है तो इसको मारो। अच्छा महंगाई की बात कर रहे हैं, कहाँ महंगाई है सर आप बताइए, मोदी जी 2014 में आए ना, 2014 में आप बताइए गैस सिलेंडर का दाम कितना था? टाइम के हिसाब से बढ़ी है सर, जिनकी सैलरी बड़ी होगी उनकी बड़ी होगी सर। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, 300 रुपया तब भी था, 300 रुपया अभी कमाते हैं। एक बंदे की नहीं बड़ी तो उसका मतलब थोड़ा ना महंगाई हो गई सर। देश में सर देश में बेरोजगारी कितनी है, किसी की तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं सर। मैं किसान के बेटा हूँ, मैं खुद अपना देखूंगा ना, मैं गवर्नमेंट वालों को मैं देखूंगा नहीं। नहीं सर मैं तो अपने भरोसे हूँ, मेरे पिताजी किसानी है, मजदूरी करके मुझे खिलाते हैं। आत्मनिर्भर बनो ना आप। आत्मनिर्भर कैसे बनूं सर, सरकार का सपोर्ट भी तो चाहिए आत्मनिर्भर बनने के लिए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं पकौड़ा तलो। अच्छा सर पकौड़े तलने से हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा, देश के प्रधानमंत्री ये भी बोले हैं। सब होगी ओके सर, मैं इकोनॉमिक्स पे आए हैं तो मैं अर्थव्यवस्था पे अब आपसे मैं सवाल करूंगा, आप मुझे खुद बताइएगा सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा ठीक है? चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं जब आए हैं आप तो मैं बता रहा हूँ, अब मोदी जी ही खुद बोले थे कि मैं भारत को विश्वगुरु बनाऊंगा, अब आप लोग बताओ मेरे को कि पकौड़े तलने से भारत विश्वगुरु बन जाएगा? अरे उनका कहने का मतलब है अपना खुद का व्यापार करो। ठीक है ठीक है, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ बताइए, विश्वगुरु आप कह रहे मतलब बता रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने से पकौड़े तलने से भारत विश्वगुरु बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। देश के प्रधानमंत्री जी बस यही बोले पकौड़े तलो, मैं बोलिए तो उनका स्टेटमेंट सुना रहा हूँ, पकौड़े तलो, पकौड़े तलने से मैं थोड़े तो कर रहे हैं ना मोदी सर। विकास हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास हुआ है लेकिन काफी हद तक विकास नहीं हुआ है। क्यों मैं बता रहा हूँ जी सर, देखिए सर जो भी मतलब रेलवे है, एयरपोर्ट है जिसको प्राइवेट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है। क्योंकि प्राइवेट हो जाने से सर आप सोचिए, प्राइवेट हो जाएगा तो उसका कोई कंपनी का जो मालिक है, जो टेंडर लेगा उसके अंडर में सब कुछ होगा, और गवर्नमेंट जब रहेगा तो सरकार के अंडर में होगा, तो सरकार हमें अच्छा पैकेज देगी, सरकार हमें अच्छा पैसा देगी, तो देश में बेरोजगारी है वो भी कम होगा। और बताइए जहाँ सरकार हमको सैलरी दे रही है 20,000 रुपया, सीधे प्राइवेट में मैं जा रहा हूँ, आप बताइए किस साल, अच्छा किस 8 साल हो गया मोदी जी को आए हुए, 8 साल में बताइए कौन से साल में 2 करोड़ रोजगार युवा को मिल गया? क्या अग्नि परीक्षा आई? अग्नि परीक्षा आई है, देखिए ना अभी मेरी बात सुनिए, अग्निवीर तो चलिए सही है देश के मतलब देश को, अच्छा है आप हाँ मैं कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनके लिए सही नहीं है, जो अमीर घर से बिलोंग करते हैं उनके लिए सही है। उसके बाद बिनिस सर आप बताइए, हम हैं, मैं हूँ ना, मेरी 3 बहन है, मैं आर्मी में जाता हूँ, 4 साल बाद आता हूँ, मुझे सर 11 लाख रुपया मिल जाएगा, मैं क्या अपना घर बनवा लूंगा या मैं 3 बहन की शादी कर लूंगा? आप बताइए, कहीं भी जाओ लड़का देखने, कहीं दहेज 4 लाख 5 लाख कितना भी गरीब लड़का रहे इससे कम होगा नहीं। सामान कितना महंगा हो गया आप भी देख रहे हैं, हर एक चीज कितनी महंगे मिल रहे हैं, बेडशीट एकदम लो से लो जाइए लेने के लिए तो 70-80 हज़ार में मिल रहा है, कहाँ से हो पाएगा सर, एक शादी भी नहीं हो पाएगा उतना में। बिजनेस कर सकते हो उससे आप? अच्छा बिजनेस करूँ,
कौन सा बिजनेस कर लूंगा सर, घर चलाऊंगा कि बिजनेस करूंगा ये बताइए ना। घर भी खाना भी तो खाऊंगा, भूखे पेट रह के तो बिजनेस नहीं करूंगा। आप इतनी परेशानी बता रहे हैं, आप युवा है, लगभग आपकी उम्र क्या होगी अभी? अभी मेरी उम्र 21 साल होने वाला है। साल है ना, सबसे ज्यादा आप ही युवा बढ़ चढ़ लेकर के वोट देते हैं और अभी आप चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं क्यों? जब मैं मोदी जी को सत्ता में लाया हूँ तो मैं अपनी परेशानी तो मोदी जी को ही बताऊंगा ना, कांग्रेस को राहुल जी को तो बताने नहीं जाऊंगा। अच्छा। मैं मोदी जी को ही बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में मेरे से कोई पूछेगा मेरी परेशानी तो मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को बताऊंगा जो हमारे सीएम है। किसी और को थोड़ी बताने जाऊंगा। अखिलेश सुनते दरबार, देखिए जनता दरबार लगता है, मैं तो आज तक जनता दरबार में गया नहीं और मैं योगी जी की बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं परेशान हूँ मैं, बताइए ना, महंगाई इतनी ज्यादा है तो परेशान क्यों? जो बुक मैं खरीदता था, जो मैं वो नोट्स बुक खरीदता था, मैं 10 रुपए में सीधे आज 25 रुपए मिल रहा है और घर पे इनकम, पापा पहले भी 300 कमाते थे अभी 300 कमा रहे हैं। आप कह रहे हैं महंगाई, लेकिन बदनाम कर रहे हैं सरकार को, बदनाम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, मैं बदनाम कर रहा हूँ, आप बताइए क्या बदनाम कर रहा हूँ मैं आपसे? मैम कह रही है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, किस सन में 2 करोड़? 1 करोड़ बता दीजिए ना, किसी साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला हुआ बता दीजिए मेरे को। मेरा जो हक है मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, डरता थोड़ी ना हूँ। क्या सर, सर एक बात सुनिए, BSF ट्रेड्समैन का एग्जाम अभी बहुत जल्दी हुआ था 4 दिसंबर को, सुनने में आ रहा है वो भी पेपर लीक हो गया, अब रद्द होगा, जिसमें मैं भी एग्जाम दिया हूँ। 2024 में आएंगे, बताइए ना, मिलेगा रोजगार भी मिलेगा। 8 साल से सर, 10 साल से नहीं मिलेगा तो क्या क्या संभावना है मिलने का? तो सर 8 साल आपके लिए कम लगता है? 8 साल आपके लिए कम है? कहे नहीं, बहुत कुछ किया सर, IIT, एम्स, जो भी एयरपोर्ट से, क्या मोदी जी ने बनवाया? जो सुनिए मेरी बात सुनिए, जो एयरपोर्ट मोदी जी बेचे हैं क्या मोदी जी बनवाए हैं? कांग्रेस ही हो आप? नहीं सर मैं कांग्रेसी, देखिए अभी मैं क्या कांग्रेस को वोट दूंगा कि बीजेपी को वोट दूंगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं 2019 में मोदी जी को वोट दिया था, मोदी जी को समर्थन किया था, लेकिन आगे मैं नहीं बता सकता हूँ कि अभी 2 साल में क्या करूंगा। अब भरो नहीं, अब जो जो होता है ना पेशेंस, अब धैर्य जो होता है ना खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। आगे क्या काम करेंगे सर? आगे तरक्की तो करना ही है ना, जिस दिन मौका मिला मुझे सेवा करने के लिए देश के लिए, तो सर आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एक दिन सारे हिंदुस्तान देखेगा, हिंदुस्तान के साथ साथ और भी देश देखेगा कि हाँ कोई तालीम नाम का लड़का था जो 21 साल की उम्र में बोला था आज देश की सेवा कर रहे हो, कैसे देश चला रहे हैं। उम्मीद है ना आपको? हाँ उम्मीद है, सपना तो सबका होता है सर, देश के साथ भी उम्मीद रखिए, 2024 में करेंगे वो सर। तालिब हो आप हाँ। किसी एजेंडे के साथ आए हो यहाँ? मैं अकेले हूँ, देख लीजिए मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कैमरा भी इधर दिखा दीजिए, कोई नहीं है आपको भेजा गया है, तालिब हो आप, सुनिए छोटे हुए आदमी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, आप मेरा मोबाइल ले लो और देख लो कहाँ से आया हूँ, कहाँ से, मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की बात करता हूँ। और रही बात आप बता रहे हैं ना जनता और नेता के बारे में, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ महंगाई के बारे में, आप मेरी बात सुनिए, मैं JNU का स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं योगी आदित्यनाथ जी का यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर है DDU में, वहाँ से पढ़ाई किया हूँ, दीनदयाल उपाध्याय से, मैं और कहीं से नहीं पढ़ाई किया हूँ, मैं JNU चाहे कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं UPSC स्टूडेंट हूँ, सेल्फ स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, देखिए जो JNU अपना अपना सोच है, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं मंत्री और सांसद होते हैं लोग क्या क्या हम वोट देते हैं, हम और आप वोट देते हैं, वो लोग बनते हैं, मैं बता रहा हूँ, देखिए वो हर एक साल उन लोगों को 50,000 यूनिट बिजली फ्री में मिलता है, और हम जनता लोग देहात से बिलोंग करते हैं ना, 7 रुपए यूनिट बिल देते हैं हम लोग, जो झोपड़ी का घर गांव में होता है आप लोग देखे होंगे, उस घर में वो मीटर लगा हुआ है, वो क्या बोलते हैं लोग 7 रुपए यूनिट, अब बताइए 40 लाख लीटर पानी उनको मिलता है, और क्या बोलता है संसदीय जो आवास मिलता है ना उसका पेंशन फ्री में मिलता है उनको, और जनता को कहीं भी रूम लेके रहे, मैं रूम लेके रहता हूँ, सुनिए मैं न्यूज नहीं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं हूँ, UPSC स्टूडेंट हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अच्छा सर बताइए, तो क्या क्या मैं खिलाफ उनके बोल रहा हूँ, मैं अपनी हक की बातें कर रहा हूँ। और देखिए मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, और मीडिया वाले सही होते तो देश में ऐसा होता ही नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना मीडिया वालों की वजह से ही हो रहा है, बदनाम कर रहे हो मीडिया वालों का। मैं नहीं, जो हक की बात बता रहा हूँ, मीडिया वाले जो देश की सच्चाई दिखाते तो देश की सच्चाई युवाओं के सामने आता, मीडिया वाले जो दिखाते हैं ना, हाँ मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, बताइए अच्छा मैं मुसलमान हूँ तो राष्ट्रभक्त नहीं, चलिए हमारे रिलेशन में चलिए, मैं अपने पूरी दिखा रहा हूँ अपने जनरेशन में, मेरे घर में 7 लोग शहीद हुए हैं आर्मी में, पूरी डिटेल दिखा दूंगा मैं राष्ट्रभक्त क्या होता है, मैं राष्ट्रभक्त सीना चीर के देख लीजिए मेरा राष्ट्रभक्त हूँ कि नहीं हूँ, क्या सबूत चाहिए, मैं राष्ट्रपति का सबूत दूंगा यहाँ पे, जो पूछे बोलिए ना, राम होना चाहिए, राम नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ना अल्लाह है ना राम है, हिंदुस्तान है, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, समझे। अच्छा आप एक सवाल ये है, हाँ, कि जैसे BOC में अभी फीस बढ़ाई है, आप एक स्टूडेंट भी है, हाँ, कैसे देखते हैं, बाबा तो अच्छा काम कर रहे हैं सर? देखिए मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ और सरकारी से मतलब गांव से कर रहा हूँ, प्राइवेट से एडमिशन है, और प्राइवेट एडमिशन है मेरा 5,000 सालाना लगता है, कहीं से भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ,
और जो सर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं सेल्फ स्टडी नहीं करता, किसी संस्था से मैं एडमिशन लेकर पढ़ाई करता। कहीं ना कहीं सर जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने से पकौड़े तलने से हमारे पास पैसे आए तो पढ़ाई करता हूं। सर पकौड़े यदि मैं तलूंगा तो फिर मेरा देश से विश्व गुरु कैसे बनेगा बताइए। पकौड़े आपने देख क्या गजब हाल है मीडिया वालों को, मैं यही तो कह रहा हूँ देश को बर्बाद करने में मीडिया वालों का याद है। मोदी जी को किसी ने नहीं देखा चाय बेचते हुए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मानता है कि मोदी जी ने चाय बेचा है। तो और देश इतना सुनिए मेरी बात सुनिए ना, देश इतना बिक गया है किसी को नहीं दिख रहा है, देश बिकते हुए किसी को नहीं दिख रहा है। मोदी जी ने कहा अपने मुंह से, क्या देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है? हाँ मोदी जी सबूत देना कि मैं चाय बेचा हूँ, कोई भी फोटो उनका क्यों नहीं देंगे? क्या देश के नागरिक वो भी है ना, प्रधानमंत्री तो नागरिक ही है ना देश के, क्यों नहीं मांगूंगा मैं? देश का नागरिक तो मांगूंगा क्यों नहीं? चाय बेचते हो किसने देखा बताइए ना। तो मोदी जी कह रहे थे, मेरी बात सुनिए ना, हमारे घर में मतलब मेरी बात सुनिए, मेरे मामा थे आठवीं तक पढ़ाई किए थे, वो आर्मी में सोल्जर थे। और मोदी जी उस समय बोलते हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर रखा था, बीए कर रखा था, तो क्या वो बीए करके चाय बेचेंगे बताइए ना? सर जी मैं स्टूडेंट तो उठाऊंगा। अच्छा जी हाँ दिखाई, तो सवाल तो ये भी उठता है ना, जब बीए किए हुए तो चाय चाय क्यों बेच रहे थे? जब ग्रेजुएशन था उनके पास उस जमाने में, आठवीं पास को जब रोजगार मिले तो चाय क्यों बेच रहे थे? अच्छा स्वयं रोजगार करके, इसलिए युवाओं को चाय, इसलिए युवाओं को पकौड़े तलने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए युवाओं को पकौड़े तलने के बोल रहे हैं। मैं सर देखिए मोदी जी से मैं नौकरी मांगूंगा ही ना, युवा हूँ, पढ़ाई क्या हुआ? बुराई करते हो मोदी? बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे मान अभिमान स्वाभिमान सब कुछ है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो हमें जिस चीज की कमी एहसास हो रही है ना, हाँ जिस चीज की मुझे कमी एहसास होगी, मैं मेरा जो गार्जियन है मैं उसी से बोलूंगा। घर में कुछ घटता है तो मैं अपने पापा से बोलता हूँ, देश में कुछ कमी होगी तो मैं अपने देश के गार्जियन को ही बोलूंगा, प्रधानमंत्री को ही बोलूंगा। क्या हुआ चाइना को? अच्छा चाइना को भगाया इसीलिए सर हमें भगवा में लटका दिया गया वो। अच्छा मेरी बात सुनिए ना, 9 तारीख को हिंदुस्तान और चाइना से युद्ध हुआ था ना अरुणाचल प्रदेश में, वो न्यूज पे क्यों 17 तारीख को दिखाया गया, 9 तारीख को क्यों नहीं दिखाया गया? कहाँ है गुप्त चीज है सर? तो यही गुप्त चीज रख के जो दिखाने वाला है उसे नहीं दिखाइए, जो नहीं दिखाने वाला है उसे गुमराह कीजिए जनता को, ये बात थोड़ी नहीं सर। मामला है, ऐसे थोड़ी ना। अच्छा अच्छा इसीलिए सर सिक्किम में अभी 16 जवान शहीद हुए हैं, खाड़ी में गाड़ी गिरा था जो, उसे कहीं नहीं दिखाया गया, बस एक हेडलाइन बना दिया गया हर एक न्यूज पे, आज तक हो या एनटी टीवी हो चाहे कोई भी न्यूज हो, बस हेडलाइन दिखा दिया गया, बाकी किसी चीज कहीं न्यूज पे दिखाया नहीं जा रहा है, वो खत्म हो गया। बस दिखाओ ना दीपिका पादुकोण क्या पहनी है, शाहरुख खान कहाँ है क्या कर रहा है, बस यही दिखाओ। हम लोग युवाओं का तो यही रोजगार है, कभी रक्षाबंधन फॉलोअप करो तो कभी शाहरुख खान का पठान फॉलोअप करो तो लाल सिंह चड्ढा फॉलोअप करो, बस यही रोजगार है। तो और क्या रोजगार है? अपमान हो रहा है वो नहीं है, अपमान नहीं है मैम, वो अपमान एक रंग उसमें थोड़ी नहीं कि हम बोल दे भगवा का अपमान है, उसमें बहुत सारे रंग है, उसमें बहुत सारे रंग है, ये थोड़ी ना है। लेकिन उस भगवा का इस्तेमाल देखा नहीं? इस तरीके देखा हूँ। अच्छा सिर्फ भगवा ही है उसमें? हाँ। और कोई कलर नहीं है? ये तो हम और जो अपने मुंह से बोले कि भगवा का अपमान है तो मेरे धर्म का ही इसमें मतलब बेइज्जती मैं खुद अपने आप से कर रहा हूँ कि वो बेशरम रंग भगवा को कह रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे रंग है। तो ये एजुकेशन पे डिपेंड करता है, जो पढ़े लिखे इंसान जो होगा कभी अपने धर्म के अपने संस्कृति जो उसको आस्था को कभी ठेस पहुंचाएगा ही नहीं। आवाज उठा रहे वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ बता रहे उन्हें आप। होते तो इन सबको लेके लड़ाई थोड़ी ना होता, बिल्कुल। तो मिश्रा जी ने बोला यानी अनपढ़ बता रहे हो आप। अब देखिए जब हमें योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं तो मैं बता रहा हूँ, बोले होंगे उन लोगों की मतलब सोच अपने अपने जगह पे, वो अच्छे खास तभी उनको बनाया गया यूपी का सीएम, और अच्छे इंसान नहीं होते तो नहीं बनाया जाता उनको सीएम। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतने बड़े बड़े लोग क्या नेता लोग कलर को लेकर राजनीति करने आए हैं या देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करने आए हैं? आप लोग थोड़ा एक बार नेता से जाके सवाल पूछिए, योगी आदित्यनाथ जी से जाके पूछिए, मोदी जी से जाके पूछिए कि आप कलर पर राजनीति करने आए हैं कि देश को आप विश्व गुरु बनाने के लिए राजनीति करने आए हैं? आप लोगों के पास हिम्मत नहीं होगा पूछने के लिए उन लोगों से? एक बार जाके पूछ लीजिए मोदी जी आप 15 लाख रुपया क्यों नहीं दिए? अमित शाह तो मैं वोट दिया था 2019 में, लेकिन अब नहीं दूंगा मैं। 24 में फिर आएंगे मोदी जी? आएंगे मैं मानता हूँ आएंगे, इस बात को मानता हूँ, दुनिया तो दे रही है और लोग तो दे रहे हैं। हाँ मैं ये भी मानता हूँ मेरे एक वोट से क्या होगा, लेकिन एक वोट से बहुत कुछ भी हो सकता है, एक वोट से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।